दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में खेले गए छठे ओडीआई मैच में एक ऐसा मोमेंट आया जहां पर महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए दिखे और एक बार फिर एक मेंटर के रूप में, कोच के रूप में शानदार तरीके से टीम को सपोर्ट किया है। उन्होंने बिना बॉल किए एवी डिविलियर्स को बोल्ड कर दिया है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एवी डिविलियर्स की। इससे पहले मैं आपको बताऊं सेंचुरियन में चल रहे छठे ओडीआई मैच में जहां साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में टॉस फेंका गया तो टॉस जीता टीम इंडिया ने और टीम इंडिया ने पहले फील्डिंग का फैसला लिया, यानी टीम साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। और ऐसे में साउथ अफ्रीका टीम काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहती थी आखिरी ओडीआई मैच में, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दिया। आपको बता दें साउथ अफ्रीका की टीम ने काफ़ी बड़े चेंजेस किए थे। खाया जोंडो, फरहान वेहादरीन को टीम में शामिल किया, लेकिन खाया जोंडो ने शानदार प्रदर्शन किया है और टीम साउथ अफ्रीका के लिए एक अच्छे बैट्समैन के रूप में साबित हुए हैं। दोस्तों एवी डिविलियर्स और खाया जोंडो शानदार तरीके से क्रीज पर जम चुके थे, टिक चुके थे, तभी युजवेंद्र चहल ने एवी डिविलियर्स को बोल्ड कर दिया और ये बोल्ड किया महेंद्र सिंह धोनी के सपोर्ट के कारण। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों 21वें ओवर की चौथी बॉल पर क्रीज पर सामने मौजूद थे एवी डिविलियर्स। तब एवी डिविलियर्स काफ़ी समस्याएं पैदा कर रहे थे टीम इंडिया के लिए, लगातार चौके मारे जा रहे थे। तभी महेंद्र सिंह धोनी के कहने पर चहल ने बॉल को आगे किया और एवी डिविलियर्स बोल्ड हो गए। तो दोस्तों एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी के सपोर्ट के कारण टीम इंडिया को विकेट मिला। विकेट ही नहीं बल्कि इसके बाद साउथ अफ्रीका की पूरी टीम धराशायी हो गई और मैच को टीम इंडिया के खेमे में पलटा दिया। तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आई होप आप इस वीडियो को 10,000 लाइक्स देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।